सुबह उठते ही यानी कि नहाकर सीधा जैसे ही किचन में आया तो अपना नाश्ता लग रहा है, यानी कि सुबह सुबह आज ब्रेकफास्ट भी बन गया और दिन के लिए दाल भी उबलना शुरू हो गई है। दाल उबाल ली, अब घास के ले जाऊंगी। हाँ ये है कि मतलब काम कुम इधर उधर ये सब चीज़ें होती रहती है ना, तो आज बना रखी है बैंगन की सब्जी सुबह सुबह। और अपने को एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सुबह सुबह बैंगन की सब्जी खानी पड़ेगी, क्योंकि बैंगन आजकल खा सकते टेस्टी सब्जी तो होती है भाई। और आज अपना प्लान है नवाखाल की साइड में जाने का, थोड़ा सा कल जब हम फिटिंग कराने के लिए गए थे पैंट, उसी को फिटिंग करवा के लेके आएंगे। फिटिंग मतलब पैंट फटी नहीं है भाई, नए कपड़े हैं ना, उसको वो करवाना है, क्या बोलते हैं, फिटिंग करवानी है, ठीक है, रेडीमेड कपड़े। क्या चाहे ये मत समझना कि फटी हुई पैंट हाँ ये मत सोच लेना कि फटी हुई पैंट सिलवा रहे हैं दोबारा, नहीं है। तो अभी के टाइम पर अपना जो भी ब्रेकफास्ट करते, माँ दरअसल उस कटोरी में वहाँ पर घी रख रही है मेरे लिए, घी मिक्स कर रही है, और साथ में पापा भी लगे हैं ब्रेकफास्ट करने पर। झाड़ू ऐसे मत रखा करो किसी भी जगह पे। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम हो रखा काफ़ी बढ़िया, खूबसूरत और प्यारा सा, यानी कि आज भी बारिश आने के पूरे आसार हैं, आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तुरंत ब्रेकफास्ट करने के बाद में मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम निकलने की तैयारी हो गई, एक फेविक्विक है ना, और तीन बल्ब और दो होल्डर, ठीक है, बस यही सामान लेके आना। अब मेरी यहाँ से निकलने की तैयारी, यानी कि सबसे पहले जाके तो वीडियो अपलोड करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मौसम देखो मौसम कैसे हो गया ना। तो अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं और बाइक के सू, ठीक है, अल्लू और बड़ी ना, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं, मौसम काफ़ी प्यारा और खूबसूरत सा हो रखा है ना, कि इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरी साइड वाले जो अपने खेत है ना, तो यहाँ पर देखो एयर पोटैटो लगना शुरू हो गए भाई, कितने सारे लगे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और भी लगे होंगे, मतलब कि इस पूरी की पूरी बेल पे ना काफ़ी सारे लगे हैं यहाँ पे। और साथ में फूल देखो, फूल कैसे खिले हैं, वाइट वाइट। सुबह के टाइम पर अपना प्लान था कि बाज़ार की तरफ में जाएँ, लेकिन किसी काम की वजह से आज नहीं जा पाए यार। बाल देखो, बाल कितने बड़े बड़े हो गए ना अपने, तो आज देखते हैं कितना दिन बचा इस रात को, बहुत दिन जी, तो मतलब पाँच एक दिन और बचे हैं, तो 5-1 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, और उसके बाद में अपने बाल भी कटवा देंगे। और साथ में खाना बन चुका है, सब कुछ बिल्कुल तैयार है, तो अब ऐसा करते हैं खाने की तैयारी भी करते हैं। तो आज मैं और पापा हैं, माँ दरअसल कहीं और जा रखी है, तो मैं और पापा यहाँ पर अब खाने की तैयारी करें। पापा ने आज क्या क्या कर रखा है, ये क्या चा, ये हमें लकड़ी के लिए भेजा, अरे चौकड़ पर लगा सकते। तो ये देखो यहाँ पर नमक पीस के रखा है, साथ में यहाँ पर ककड़ी रखी है, और एक ककड़ी बड़ी वो वाली भी है। और पापा की हालत देखो अभी कैसे हो रखी है, और पापा ने खाना भी बना दिया था दरअसल, तो खाना खुना अब खाने की भी तैयारी करते हैं। तो अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, तो ये सब चीज़ें तैयार हो रखी, तो अब ऐसे करते हैं बिना देरी के खाना खुना खाते हैं, क्योंकि मैं और पापा और केसी हैं, केसी को तो बाद में खिलाएंगे, लेकिन मैं और पापा खा लेते हैं टाइम से। बाकी ये जो तरीका, ये तरीका अच्छा भाई, यानी कि केले के पत्ते पर यहाँ पर नमक रखा है ना, बहुत बढ़िया। दाल क्या अच्छा, दाल हरड़ की, हरड़ की, हरड़ की दाल, चलो खाते हैं जल्दी, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो गया ना, केसी भी आ गया, देखो मौसम भी ऐसा रखा है, बिल्कुल बारिश का सा हो रखा है ना। और अपना कान देखो, कान कितना रेड हो रखा है, मतलब छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, वो काट रहे, उड़ने वाले होते हैं ना, खट खट काट के निकल जाते हैं तुरंत ही, तो इसलिए कान भी मेरा रेड हो रखा है, खुजली लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ इस पर। क्या करें, नवाखाल जाए हम, चलो अभी देखते हैं, मतलब क्या पता हम नवाखाल भी जा सकते हैं आज के दिन पर ना। बाकी केसी भी सोच रहा है कि जाऊं के ना जाऊं, जाऊं के ना जाऊं, उसका भी मन नहीं लग रहा दरअसल। बात करें मौसम की, तो बादल देखो, बादल किस तरीके से लगना शुरू हो गए, और टाइम भी देखो ना 1 बज चुका है। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है, अगर मौसम सही रहेगा तो जाएंगे, और मौसम अगर बारिश वाला हो जाता वैसे जैसे हो रहा है, बारिश अगर आना शुरू हो गई तो फिर कैंसिल कर देंगे फिर। दा देना बुड्ढी बनना मिल, बुड्ढी बनना मिला, तो अभी घर से आने के बाद में हम लोग दरअसल पांग गांव के धार में बैठे हैं बुड्ढी औरों के साथ में, बुड्ढी होगी उधर, दादी होगी, दादी बुन शायद मिले, दीदी बुना, जितन तुम्हारी परिवार होगी ना, मतलब सब एक ही चाहे ना परिवार, मतलब पूरा हाँ उकालक तो ये जी बुढ़ल ना, बुढ़ल सर उकाली भलो भाई उकालक ही मौस फैली सब
हाँ वही तो, तभी हमारे लोग को गंजा लेके हूँ ना। हाँ तो अभी हम लोग दरअसल यहाँ पे बैठ के आराम से दादी वालों के साथ गप्पे मार रहे हैं, और साथ में यहाँ पर घास काटा जा रहा है, यानी कि पांग के ना दीदी और यहाँ पे लगी हैं घास काटने पे, तो उधर छोटी उधर को काट रही है, और यहाँ पर आजकल यही सब काम चल रहा है, घास की उलाई, सब घास ही हुई चा की कुछ बुते बिच सब घास ही चा नहीं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, घोड़ा पलैची ना खूब। बाकी आजकल जहाँ भी कैमरा घुमाना उधर आपको सब लोग इसी काम में व्यस्त मिलेंगे। मतलब देखो वहाँ पर भी देखो, खेतों में वैसे कुछ बो तो रखा है लेकिन हो कुछ नहीं रखा है, मतलब वो पूरा का पूरा ये है ना कि घास की काम आएगा जो जितना भी बो रखा है, आपको पूरा नीचे घास ही सूखा हुआ दिख रहा होगा, मतलब ना ये काट के सुखाने के लिए रखा है यहाँ पे पूरा घास। और इस बारी बुढ़ी था आज हमल तिमल खाल दी के जाना, तिमल खाल नेपाल नहीं जाना, शिमला बुटीक बसो के नहीं शिमला जान। 16 घंटा बैठ, 16 घंटा तक हालत खराब हो जानू। खोटा आसिया उसे आज नहीं ना लेता लंबा वहां पर, वही तो बुड्ढी कह रही है कि गाड़ी में मेरी बस की नहीं है, मैं किरखो भी जाती हूँ ना, बोला पैदल ही निकलती हूँ। और सामने वाला दिखाई दे रहा पुसली गांव, भाई पुसली गांव एक गुरुजी रहा करते थे हमारे यहाँ से, मन कदा साल ही दी सार तो छुड़े आप का रोड आना बाद ही छुड़ गया ना, कि रोड से पहले हो गए चाहो बंजर। मतलब गांव गांव में ये हुआ ना, जैसे रोड आई वैसे ही बंजर होते गया धीरे धीरे। वही तो, तो आज हम दिखाते हैं पांग में क्या काम धाम चल रहा है ना, अभी थोड़ा बहुत दूर से दिखाया था, अब नजदीक से दिखाएंगे आपको। तो यहाँ चल रहा है पूरा घास घूस काटने का काम, और यहाँ पे दीदी और लगे हैं आराम से, छोटी तो लगी है वहां पे, पता नहीं घास कुमचरा कुमचरा उठा निकालने पे है, है? घासल मुख लुक यार कटे जाल से घासल मुख नहीं जी। हवा चल रही है बहुत तेज, भाई ठंडा हो गया ना, और अब घास एक बार पूला बांध के दिखाएंगे दीदी। अच्छा। बता रखन बंदी आज, मतलब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि किस तरीके से बांधते, तो ये रहा तरीका बांधने का। कता बात झुंगोर दीदी कोदू अच्छा आप लो ला कोदू था। अरे हमर तो कोदू हो गया ना, अच्छा ले। हाँ सुअर से बड़ा परेशान हो रखे हैं सब लोग ना। और यहाँ पर ना मतलब आजकल जैसे घास घूस काटी जा रही है, इसमें डर भी होता है ना आजकल, सांपों से उपों का इन सब चीजों का भाई बड़ा दिक्कत होती है। अब मत यहाँ पर कीचा, अच्छा यहाँ झुंगरट, तो यहाँ झंगोरा यानी कि समा के चावल जैसे कहता है ना, वो बोया था यहाँ पे, और घास ही देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हुआ ही नहीं होगा भाई कुछ, मतलब ऐसी हो रखा है, कुछ नहीं हो रखा है यहाँ पे। खेत भी देखो ना, खेत कितने बड़े और प्यारे हैं। तो शाम के टाइम पर थोड़ा सा इधर को पांग की तरफ में आ गया था बस घूमने फिरने के लिए, मैं और जीतू भाई, और जगह भी देखो क्या खूबसूरत सी लग रही है यार, बढ़िया मतलब अच्छी सी जगह लग रही है। और यहाँ पर जैसे किसी का घर हो ना, तो यहाँ से सामने हिमालय दिखाई देगा बिल्कुल प्यारा सा, मतलब जब घर आजकल तो नहीं दिखता बरसात में, लेकिन ठंडियों के टाइम पे और साथ में गर्मियों के टाइम पे तो सामने बिल्कुल हिमालय दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत। और मौसम भी ऐसा हो रखा ना, देखो सामने कैसे बादल लगे हैं, बारिश आ सकती है, मतलब झुंगोर तो आपक बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। हाँ सब चखलू ला असुंगर, वही दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है भाई। बाकी यहाँ से नीचे में दिखाई दे रहा सासो गांव, और वो हो गई हमारी पूर्वी नयार, पूर्वी नहीं पश्चिमी नयार, मासो। हाँ मसट क्या कोल मासो थी, हाँ मसट मासो तो थपले मासो हो गया, ये को बुडली ओ डुकंडी, हाँ डुकंडी गांव वो वाला हो गया फिर, बढ़िया। अरे बैठते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, भैजी और भी आ गए ना यहाँ पे, चलते हैं। पांग से अभी के टाइम पर घर पे पहुंच चुके हैं, घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, थोड़ा सा वहाँ पे बैठे थे, कुछ और लोग भी मिले थे तो उनसे बातचीत ही चल रही थी, और अब शाम के टाइम पर घर पे पहुंचे, आजकल ज़्यादा पूरा दिन इधर उधर ही बीत रहा है यार। बाकी आज लाइट की बात करें तो आज लाइट नहीं है,
आपको मीटर पे वहाँ पर लाइट दिख रहा होगा, लेकिन वोल्टेज नहीं है दरअसल, तो हमने प्लग ऑन कर रखे हैं लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही है। सामने वाले गांव में कितनी बढ़िया तरीके से लाइट है, अपने गांव में बिल्कुल अंधेरा छा रखा है अभी के टाइम पे। माँ और पापा भी अभी गए ना गौशाला, तो आज देखते हैं कब तक आते हैं, क्या आते हैं, शायद थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं ऐसे करता हूँ तब तक आग जलाता हूँ जल्दी से। तो शाम के टाइम पर तो अपने घर पर लाइट नहीं देता, हमारे यहाँ पर यह है कि तीन फेस हैं, तो तीन फेस में से किसी भी फेस पर कनेक्ट कर लो तो लाइट आ जाती है भाई। और हमने वही किया है कि अभी के टाइम पर अपने घर पर लाइट आ चुकी है और जगह पर लाइट नहीं है, मतलब सामने वाले गांव पर लाइट है, बाकी अपने गांव में शायद और जगह पर लाइट नहीं है। तो यहां पर किचन में बन रहा है अपना खाना, यानी कि आउटर किचन में माँ बैठी है, साथ में पापा बैठे हैं, यहां पर रोटियां बन रही है और धुआं लग गया दरअसल। तो होता क्या है आजकल, थोड़ा सा लकड़ियाँ वैसी होती ना, क्या बोलते हैं, गीली गीली होती हैं, मतलब बारिश की वजह से। एक दिन के धूप से क्या सूखेगा, एक दिन धूप हो रही है तो एक दिन बारिश हो जा रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं होता ही है। आज ये है ना, मुझे आज दरअसल भूख लग गई है बहुत तेज, तेज तो लगी गई है, मतलब तेज का मतलब है दो एक रोटियां ही खाएंगे, लेकिन बस ये है कि हाँ भूख लग गई है अभी के टाइम पे, और अच्छा है, भूख लगनी चाहिए। अरे फूक मार मार के आग नहीं जल रही है, बताओ यार। अरे कुछ बेकार, वो लकड़ बेकार क्या, सब कच्ची लकड़ी से, ये सब काचा चाहिए, पता नहीं क्या यार, बड़ी मुश्किल से भाई आग जल चुकी है, यानी कि दोबारा से जलना शुरू हो गई, अच्छी बात है। और लकड़ियां दरअसल गीली थी ना, तो वो जो मोटी वाली लकड़ी थी वो भी हटा दी है, और ऐसे में दिमाग खराब हो जाता कई बार, है ना। केले कितने दिन हो गए, केले पकाने रखे हुए नहीं पके अभी, कब पकड़ू केलो ला, बार नहीं पकड़ना चाहिए, बाकी रोटियां बन रही है धीरे धीरे। रोटियां अब ऐसा करता हूँ कि मैं खाना शुरू करता हूँ यार, मुझे भूख लग गई है दरअसल आज बहुत तेज। दाल है और साथ में घी भी आ गई है और चने की दाल बना रखी है। सब्जी खा खा के बोर हो गए भाई, मतलब परेशान हो गए सब्जी खा खा के। पहाड़ों में जो सब्जी हो रही है ना, अब खाने का मन भी नहीं कर रहा सब्जी, सब्जी मतलब खास करके कद्दू लौकी, इसको तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चचिंडा चचिंडा तो ठीक है, तो चचिंडा थोड़ा टेस्टी भी होता तो उसको खा ही सकते। रोटी भी देखो चूल्हे में कैसे फूल चुकी है ना, बढ़िया तरीके से दबड़ी जी मिक्स। अच्छा आज चूना यानी कि उसकी रोटी है, क्या बोलते हैं, रागी की रोटी है, बढ़िया। हाँ तो मिक्स रोटी, हाँ मिलेट वाली रोटी दे दो, गेहूँ रोटी नहीं दे होते, ठीक है। तो ये दरअसल मिक्स रोटी है, बढ़िया भाई, ये अच्छी चीज है, अच्छा है, सफेद दिखना चाहिए, वहाँ की बनाया करना। अभी ऐसे करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।